सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल 3 लंच बॉक्स तैयार करने हैं हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एक मदर के लिए बच्चे के लिए सुबह सुबह लंच बॉक्स में क्या बना के दे जो उसकी सेहत के लिए हेल्दी रहे और कम समय में बन जाए। ये है नेत्रहीन अखिल संघ, क्योंकि यहाँ पर जो है अंधे बच्चे रहते हैं, मेरे घर के पास में ही है। मैं यहाँ मॉर्निंग में बेटे को छोड़ने आई थी, अभी मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने मॉर्निंग में क्या बनाया। मैंने पारस के लिए यहाँ पर फ्राइड राइस, अप्पे, सूजी के अप्पे और चीले बनाए हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें मुझे एक समय में बनानी थी और मैंने आपको कहा कि 20 मिनट में बन गई। तो इसके लिए जितने भी मैंने वेजिटेबल लेने थे वो सारे मैंने चॉप किए। सबसे पहले प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपको लगता है वो सभी, एक चॉपर, आप चॉपर ज़रूर ले लीजिए। सब कुछ चॉप किया और मैंने एक तरफ कुकर चढ़ा के पहले चावल उबलने के लिए रख दिए थे और एक तरफ फिर मैंने कढ़ाई में सारा कुछ बनाना शुरू कर दिया। और यही मैंने जो आटा था, आटे का जो घोल था, उसे एक कप आटे का घोल खोल के रख दिया और सूजी भी घोल के रख दी, कि अप्पे जो है वो सूजी के बनाने और चीले जो है वो आटे के बनाने। और यहाँ मेरा फ्राइड राइस का जो है छौंक तैयार हो रहा है, मैंने उसके अंदर सारे वेज डालकर वेज को थोड़ा सा पका लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल डाल देने हैं। और सबसे स्पेशल जो है फ्राइड राइस में, मैंने सहजवान की फ्राइड राइस की एक पाउच आ रही है, वो आप ज़रूर ले लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, वो मैंने यहाँ पे डालना है। साथ साथ हमने क्या करना है, जो हमारा सूजी है, अप्पे बनाने के लिए एक फ़ैन है, ये अप्पे फ़ैन है मेरे पास, मैंने मीशो से मंगवाया था, मीशो ऐप जो होता है ऑनलाइन, वहाँ से मंगवाया था मैंने, और बहुत अच्छा फ़ैन है ये, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और जो हमारा सूजी का घोल है उसमें मैंने सारा का सारा वेजिटेबल जो हमने चॉप किया था वो डाल दिया। उसके बाद मैंने वन बाय वन सारे के सारे अप्पे बनाने के लिए अप्पे फैन में डाल दिया और उसको ढक दिया। यहाँ एक तरफ मेरी कढ़ाई में फ्राइड राइस तैयार हो रही है, जिसमें मटर, जितना भी सामान हमें डालना है वो सारा डाल दिया और ऊपर से डाली है मैंने सहजवान की फ्राइड राइस का पाउच जो हमने मंगवाया था वो डाल दिया। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा सहजवान का जो पाउच है उसके अंदर नमक होता ही होता है, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ऑयल यूज़ मत करना, इसके लिए आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ अप्पे तैयार हो रहे हैं, मैंने चीले जो है वो लास्ट में बनाने हैं, क्योंकि चीले तब तक 10 मिनट के लिए अच्छे से जो है फूल जाएगा, फूलने के बाद जो है वो तैयार हो जाएगा। साथ ही ये तीनों चीज़ें मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाई हैं कि मुझे और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है घर में, अलग से अपने लिए, हस्बैंड के लिए। चीला जो है वो हमने भी नाश्ते में ले लिया, ये इतना पौष्टिक होता है कि इसको सभी को खाना चाहिए नाश्ते में, हफ्ते में एक बार ऐसा रखना चाहिए। और अप्पे भी जो होते हैं वो भी बहुत